नमस्कार, घरेलू उपचार में आपका स्वागत है। कहीं भी रहें, खुशहाल रहें, चिंता मुक्त रहें। साथियों, चिंता से कोई काम हल नहीं होता है। और दोस्तों, कर्म करना न छोड़ें, कर्म ही महान है। कर्म से ही आदमी आगे बढ़ता है और नीचे भी गिरता है। तो आप इससे बिल्कुल पीछे न हटें, परिश्रम को करें। एक दिन न एक दिन यह कर्म और यह आपका परिश्रम आपको खुशहाल बना सकता है। अगर कर्म से विचलित हो गए तो फिर सफलता नहीं मिलेगा। तो साथियों, इस वीडियो में गांठिया रोग, गांठिया का दर्द। तो साथियों, गांठिया रोग यह एक बात व्याघ्री रोग है जी। यह जो है गांठों में होता है जी, पैरों के जोड़ों पर, अंगुलियों के जोड़ों पर, मतलब शरीर में जितने जोड़ हैं, जितने घुमाव हैं गांठ के, उसमें यह पैदा होता है। इसके अंदर सूजन भी होती है, दर्द भी होता है। किसी किसी व्यक्ति को पूरे शरीर के गांठों में हो जाता है और किसी व्यक्ति को पैरों के गांठों में होता है, जो कि उठने बैठने में दिक्कत करता है। तो आज हम उसी गांठ या रोग का घरेलू उपचार बिल्कुल सहज दे रहा हूँ। तो आप ध्यान से सुने, अच्छी तरह समझें। जब पूरी समझ में आ जाए तभी कोई उपाय को करना चाहिए। तो साथियों, गांठिया के रोगी को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। शुरुआत में आपको पानी पीने से बार बार पेशाब आएगी, उससे आपको दिक्कत होगा, लेकिन उससे घबराएं नहीं। यह बहुत ही लाभदायक और फायदेमंद एक घरेलू नुस्खा है जी। और दूसरा, इस रोग में लहसुन बेहद लाभकारी होता है। गांठिया के रोगी को चाहिए कि कच्चा लहसुन भी खाएं और साग सब्जी में अधिक से अधिक जो है लहसुन डालकर खाएं। इससे गांठिया रोग समाप्त हो जाता है। तो साथियों, यह रही आपका लहसुन। इस लहसुन का जितना आप प्रयोग करेंगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। और बथुआ साग, दोस्तों यह बथुआ साग गेहूं के बुआई के बाद खेतों में उग जाता है और बथुआ का साग बाजारों में भी मिलता है। तो आप बथुए के पत्ते का रस निकालें 15 ग्राम और इससे कुछ भी न मिलावें। दोस्तों, इस बथुए के रस को निकालें और इसमें कुछ भी न मिलावें और खाली पेट पिए दिन में एक बार और कुछ दिन तक इस प्रयोग को करें। आपका गांठिया रोग से छुटकारा मिल जाएगा। तो साथियों, यह रही जो है आपका 3 नुस्खा गांठिया रोग के लिए। तो गांठिया रोग कोई इतना आसान रोग नहीं है। ये जिस व्यक्ति को जकड़ लेता है, अगर सही ढंग से उपचार नहीं हुआ और पुराना हो जाने के बाद इससे छुटकारा मिलना मुश्किल हो जाता है। तो साथियों, हम इसी तरह से आपको वीडियो देता रहूँगा और घर बैठे आप लाभ को उठा सकते हैं, लेकिन बिना सोचे समझे बूझे कोई जो है उपाय न करें। जब समझ में आ जाए तभी करना चाहिए। तो साथियों, इस वीडियो में
इतना ही, फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।